पीले गमछा वाले मगरू चचा ने अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्ते को लेकर दिया बड़ा बयान और बयान ने मचा दिया बवाल। जब जब राजभर चचा बोलते हैं सियासत में धमाका ही करते हैं। अब इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव और मायावती पर बयान देकर विपक्ष में बढ़ा दी हलचल। सीएम योगी और पीएम मोदी पर सपा चीफ के आरोपों और फिर सीक्रेट सेटिंग को लेकर राजभर ने जो कहा उसने बरपा दिया हंगामा। अब की बार ओपी राजभर को बीजेपी वाले ही टाइट करेंगे। बयानी बारूद दागते दागते अपने ही गठबंधन साथी की पोल खोल बैठे। राजभर का बयान सुन सपा तो खफा है ही, लेकिन बीजेपी वाले फुफकार रहे हैं। यूपी की सियासत के बयानवीर ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव के बाद मायूसी का शिकार थे और गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। मगरू चचा ने उपचुनाव में ऐसे ऐसे दावे किए थे कि सारे दावे धरे के धरे रह गए और फिर लोगों के सवालों से बचने के लिए खुद को हाउस अरेस्ट सा कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर जुबानी बारूद दाग रहे हैं और जुबानी तलवार को धार देने के बाद एक बार फिर सपा को निशाने पर लिया है। लेकिन सपा को निशाने पर लेते लेते अपने ही गठबंधन साथी जिसके साथ सरकार में हिस्सेदारी का सपना देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर उसकी पोल खोल बैठे। ओपी राजभर के बयान के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है और सपा के साथ साथ अब बीजेपी वाले भी उनसे खफा दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ओपी राजभर के पर कतरे जा सकते हैं और हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से उनके कन्ने टाइट भी किए जाएं। जानकारी की माने तो राजभर ने मायावती की तारीफ की और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो साथ ही साथ सपा और सपा चीफ को भी निशाने पर लिया और सीएम योगी के अलावा पीएम मोदी से उनके सीक्रेट सेटिंग का दावा कर दिया। इसी दावे ने उनकी हवा खराब कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसमें अभी से उठा पटक का दौर जारी है। अभी तक ना ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही कोई बात फाइनल हो पाई है और ना ही अभी सीट शेयरिंग पर ही कोई बात बनी है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की उठ रही मांग ने सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी ले ली है। राजभर ने कहा कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे। इसके साथ ही ओपी राजभर ने एक बार फिर मायावती की जमकर तारीफ की है। वहीं ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के सीएम योगी की शरण में जाने की बात कहकर बड़ा आरोप लगाया है। ओपी राजभर ने कहा कि मायावती जनाधार वाली नेता हैं और उनके शासन की पूरे देश में चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि ममता अलग ताल ठोक रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में अकेले लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि गठबंधन कहाँ है, ये सभी ड्रामा कर रहे हैं। इसके साथ ही सुभाषपा मुखिया ने विपक्षी दलों से अपना सुझाव भी साझा किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सभी दल 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर शरण गच्छामी होकर उन्हें तोहफा दे दें। राजभर ने कहा कि मायावती के जन्मदिन पर इन सभी लोगों को वहां जाकर नारा लगाएं कि मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तभी इन लोगों का गठबंधन होगा और आगे चल पाएगा, वरना ये इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही सुभाषपा मुखिया ने मायावती की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय नेता होने के साथ एक जनाधार वाली नेता भी बताया जाता है। राजभर ने कहा कि मायावती कुशल शासक रही हैं और उनके शासनकाल की चर्चा पूरे देश में होती है, इसीलिए उनके नाम पर कोई झगड़ा नहीं होगा। ममता, सोनिया गांधी सभी मायावती का समर्थन कर देंगी। उन्होंने कहा कि मायावती, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी मिलकर नारी एकता जिंदाबाद का नारा लगा दें तो कोई टिक नहीं पाएगा। वहीं एनडीए गठबंधन को लेकर सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे। एनडीए गठबंधन में ना ही सीट का कोई झगड़ा है और ना ही नेता का कोई झगड़ा है। सभी ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में बैठक के दौरान सभी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया था। एनडीए का 400 पार का नारा है। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला और तमाम आरोप लगाए। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सुभाषपा मुखिया ने कहा कि सपा ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो सपा गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में 125 सीट जीती थी, मतलब 25 लोकसभा सीट जीती। उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होता तो हाल पता चल जाता। इतना ही नहीं, राजभर ने कहा कि अगर इस बार के चुनाव में सपा ने मायावती का नारा नहीं लगाया तो खाता नहीं खुलेगा। इसके साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मन बना चुके हैं कि हम हट करके 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दिन में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और रात में योगी मोदी की शरण में जाते हैं, आखिर क्यों जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की जांच में अखिलेश यादव का खनन में नाम आया था, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।
1 दिसंबर को सदन में रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां कहां घोटाला हुआ इसका पूरा ब्यौरा दे दिया। आखिर अब तक क्यों बचे हैं? जब सब कुछ खुल चुका है तो बचे कैसे हैं? इससे साफ है कि रात को सपा मुखिया गुलदस्ता लेकर सीएम योगी की शरण में जाते हैं। वहां सीएम योगी से कहते हैं कि जान बचाए रखिए, आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं, दिन में केवल हम लोगों को बोलने दीजिए। ओपी राजभर पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं और पहले भी ऐसे बयान पर उनका विरोध हुआ था। ओपी राजभर सपा पर आरोप लगाते लगाते अपनी ही पोल खोल देते हैं और सत्ताधारियों को भी सवालों में खड़ा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।